Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. Today we are going to start lesson number 3 of unit 16 of Iqra Applied Grammar book 2. Dear students, let's start the proceedings of the lesson number 3 with the feedback segment of the homework which was given to you by me yesterday. As you know that your homework is practice exercise B, in which you have to fill in the blanks with can, could and will be able to and with the verbs from this box. आपने क्या करना था, अपने can, could और will be के structure को use करते हुए इन sentences को complete करना था और इस box में से इन verbs को लेना था accordingly और जिनसे आपने meaningful sentences generate करने थे. I hope that you have done this exercise the same way as I did. And if there is any difficulty, I hope that the difficulty will be removed after that. तो आपको feedback मिलेगा. अगर कहीं कोई गलती की होगी, after getting this feedback, things will become more clear for you. So we'll start from the sentence number 1. जैसा कि आपने देखा है, sentence number 1 में, she could not swim very well last year. तो यहाँ जो मैंने जो verb select किया है, वो यहाँ से not swim और इनके ऊपर मैंने numbering कर दिया accordingly आपकी facilitation के लिए. Sentence number 2. Next year, I will be able to join the volleyball team. तो यहाँ मैंने will be able to का structure के साथ जो verb use किया वो है join. और dear students, आपको पता चल रहा होगा, जहाँ indicators past के हैं, वहाँ मैं could को use करता हूँ, जहाँ future के हैं, वहाँ will be able to, और जहाँ right now का number sentence number 3 में आपको मिलेगा, वहाँ हम can को use करेंगे. जैसे मैं sentence आपके लिए read out करता हूँ. Right now, I can speak English and Urdu. चूंकि ये प्रेजेंट का था तो यहाँ कैन यूज किया और उसके साथ जो वर्ब मैंने सेलेक्ट किया वो यहां से स्पीक अ वर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, द मैकेनिक कैन रिपेयर द कार इन 3 डेज. यहां अगेन कैन का स्ट्रक्चर यूज किया चूंकि प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही थी और वर्ब जो है रिपेयर वो मैंने यहां लिस्ट से लिया. सेंटेंस नंबर 5, लास्ट ईयर माई सिस्टर कुडंट ड्राइव अ कार. आप चूंकि लास्ट ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट को तो यहां कुडंट के साथ और जो वर्ब मैंने सेलेक्ट किया वो नॉट ड्राइव था तो इससे सेंटेंस को कंप्लीट किया. सेंटेंस नंबर 6, वी विल बी एबल टू अटेंड द पार्टी टुमारो. तो यहां मैंने अटेंड का वर्ब सेलेक्ट किया चूंकि टुमारो है तो विल बी एबल टू के स्ट्रक्चर के साथ इसको कंप्लीट किया. सो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट देयर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस यूनिट व्हिच इज योर एक्सटेंडेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज. सो डियर स्टूडेंट, in extended practice exercise, the thing that you have to do is to write sentences what they will be able to do when they are older. आपने क्या करना है, आपने इस एक्सरसाइज के अंदर will be able to के स्ट्रक्चर को यूज करते हुए इनकी फ्यूचर एबिलिटीज के बारे में बात करनी है. अगर आप एक्सरसाइज को देखेंगे, यू कैन क्लियरली सी दैट हमारे पास हर करेक्टर की एक पिक्चर मौजूद है और उस पिक्चर के बिल्कुल साथ उसकी फ्यूचर एबिलिटी के बारे में एक रेफरेंस दिया गया है. जैसे इस करेक्टर के आगे ये एरोप्लेन का रेफरेंस है, इस करेक्टर के आगे जो है वो एक नेकलेस पहने हुए बच्ची का रेफरेंस है, इन दो करेक्टर्स के आगे ये डॉक्टर्स का एक रेफरेंस है. ऐसे ही आपको रिमेनिंग पिक्चर्स के अंदर भी रेफरेंसेस मिलेंगे. जैसा कि इस पिक्चर के अंदर समवन इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है. इस पिक्चर के आगे रेफरेंस आपको ट्रॉफी एक हाथ में पकड़े हुए और इस पिक्चर के आगे आपको रेफरेंस मिल रहा है इस वेट को उठाने का. आपने अब क्या करना है, आपने यहां से सब्जेक्ट प्रोनाउंस आपको पहले ही दे दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट प्रोनाउंस को आपने इस्तेमाल करते हुए इनके विल बी एबल टू के स्ट्रक्चर के साथ जुमले मुकम्मल कर रहे हैं. आई होप दैट देर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज के हवाले से आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी. इफ देर इज एनी डिफिकल्टी, दैट डिफिकल्टी विल बी रिजॉल्व आफ्टर दैट. सो नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइज. यू विल पॉज द वीडियो, यू विल डू द एक्सरसाइज एंड देन आई विल कम बैक. आई विल कम बैक डियर स्टूडेंट्स. नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द फीडबैक ऑफ एक्सटेंडेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज. एंड इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट सेंटेंसेज व्हाट दे विल बी एबल टू डू व्हेन दे आर ओल्डर. आपने जुमले लिखने थे इन करेक्टर्स के बारे में, अबाउट देयर फ्यूचर एबिलिटी, जिसका रेफरेंस बिल्कुल उस पिक्चर के साथ एक क्लाउड की जो एक फॉर्मेशन है उसमें दिया गया है, और इन सब्जेक्ट पर नाउंस को यूज करते हुए. आई हैव डन दिस एक्सरसाइज फॉर यू. दिस इज फॉर योर असिस्टेंस ओनली. आप इससे हेल्प लेंगे,
अगर कहीं को गलती आपने किया तो आप उसको करेक्ट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द फीडबैक. सेंटेंस नंबर वन, आई विल बी एबल टू फ्लाई एन एरोप्लेन. चूंकि इस करेक्टर के बिल्कुल आगे एरोप्लेन का एक रेफरेंस मौजूद था तो यहां मैंने विल बी एबल टू के साथ फ्लाई एन एरोप्लेन, चूंकि एरोप्लेन के लिए फ्लाई का वर्ब अकॉर्डिंगली प्रॉपरली यूज होता है तो उसको यूज किया. इन सेंटेंस नंबर टू, शी विल बी एबल टू बाय अ नेकलेस. जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर करेक्टर में नेकलेस मिल रहा है तो नेकलेस के साथ बाय का वर्ब मैंने यूज किया और इस सेंटेंस को कंप्लीट किया. शी विल बी एबल टू बाय अ नेकलेस. सेंटेंस नंबर थ्री, दे विल बी एबल टू बिकम डॉक्टर. अब जैसे कि इन करेक्टर्स के आपको रेफरेंस आगे डॉक्टर का है तो इनके लिए मैंने फिर बिकम डॉक्टर का जुमला बनाया. अगर आगे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर फोर, ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान. चूंकि यहां पे क्रिकेट का रेफरेंस आ रहा है तो यहां मैंने फिर विल बी एबल टू के साथ प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान का जुमला बनाया. सेंटेंस नंबर फाइव, यू विल बी एबल टू विन अ ट्रॉफी. अब जब आप इस करेक्टर के आगे देखेंगे तो यहां आपको एक ट्रॉफी का रेफरेंस मिल रहा है तो फ्यूचर एबिलिटी में मैंने फिर सेंटेंस बनाया कि विल बी एबल टू विन अ ट्रॉफी. सेंटेंस नंबर सिक्स, वी विल बी एबल टू लिफ्ट 300 kg वेट. अब जैसा कि आपको इस पिक्चर के आगे रेफरेंस चूंकि वेट का है और यहां 300 kg मेंशन है तो उस 300 kg के रेफरेंस को यूज करते हुए हमने सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट किया. सो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव डन दिस एक्सरसाइज द सेम वे एज आई डिड. एंड इफ देर इज एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज, आई होप दैट द डिफिकल्टी विल बी रिमूव्ड आफ्टर दैट. अब इस फीडबैक की मदद से अगर आपने कहीं को गलती की है आप उसको दुरुस्त करेंगे और अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर टूडेज लेसन. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द होमवर्क फॉर टूडेज लेसन विच इज योर लर्न टू स्पीक सेगमेंट इन विच यू हैव टू परफॉर्म 3 tasks. सो बिफोर डूइंग दैट आई जस्ट वॉन्ट यू टू लुक एट द वर्ड बैक सेगमेंट विच इज राइट अबव दिस लर्न टू स्पीक टास्क in which we have different phrases and these phrases are helpful for you while conducting learn to speak task. ye jo phrases hain ye aapko help karenge ye aapke liye helpful hain while conducting this learn to speak task. to sabse pehle aap kya karenge, you will practice, you will learn and you will memorize these phrases and then you will come back and you will conduct this activity learn to speak. So first I'll read out these phrases for you. And the first one is help mother, then wash clothes, ask a question, climb the mountain, speak English, write neatly, cook food, use mobile, do homework, play cricket, read stories, visit a historical place, ride a bicycle, make assignment, get admission in college, study medical science, select engineering field, drive a car. So dear students, now it's time to give you the learn to speak task as homework. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 3 tasks है perform करने के लिए. And you will conduct this activity at home with a partner. That partner may be your brother, your mother, your father or your sister. ये कोई भी हो सकता है, आप किसी के साथ भी इस activity को conduct कर सकते हैं. इसमें आपने क्या करना है, in the first task you tell 3 things that you will be able to do or will not be able to do tomorrow. Now, will be able to or will not be able to ke structure ko use karte hue aap reply karenge. In the second task you have to tell 3 things you will be able to do or will not be able to do after completing your matric. Ab again yahan will be able to or will not be able to ke structure ko use karenge. In task C, tell 3 things you will be able to do or will not be able to do on next coming Sunday. Yahan aap again will be able to or will not be able to ke structure ko use karenge. So dear students, I hope that there will be no difficulty for you regarding this exercise. I will be able to or will not be able to ke structure ko already drill kar chuke hain. Word bank aapke paas available hai.
आप यहाँ फ्रेजेस को मेमोराइज करेंगे, उनको लर्न करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे और देन जब आप इस लर्न टू स्पीक के टास्क को कंडक्ट करेंगे आपको इस हवाले से कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। एंड इंशाल्लाह ताला टुमारो आई कम एंड आई गिव यू द फीडबैक ऑफ दिस टास्क एज वेल। सो इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।